अरे क्या हो गया, नानी के बाल पकड़ लिए? अरे देखो देखो भाई, अरे बेटा नानी के बाल नहीं पकड़ते, बेटा नानी के बाल नहीं पकड़ते। इतना बड़ा खींचा ये देखो गाइस, इसने अपनी नानी का बाल खींच दिए। बेटा आप बहुत शैतान हो गए, नानी के बाल खींचने लग गए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और सनी देओल को देखो, सनी पाजी तैयार हो आप? तू सनी देओल जैसा लग रहा है, पता तेरे को? उसका डांस स्टेप तो करके दिखा दे एक बार, सनी पाजी वाला एक बार करके दिखा दे प्लीज। अच्छा फिर कहते दिखा दे एक बार। देखो गाइस सनी पाजी लग रहा है बिल्कुल। तो गाइस अभी सुबह सुबह का टाइम है और ये देखो ये बंदर, ये छोटी सी हमारी निया देखो मेरी चिपकी हुई है। मेरी ड्यूटी इसको ये है दूध पिलाने के बाद में इसको आधे घंटे तक गोदी में रखना और इसको बर्फ करवाना। गाइस अब है ना ये अब कोशिश करती है कि अपना सर उठाऊंगा। और ये मेरे बेटे आप अभी सर पकड़ लीजिए। नहीं नहीं मैंने सर पकड़ रखा है। तो गाइज अब ये सर उठाने की कोशिश करती है। तो गाइज आज है ना इसको इसकी मम्मा के गांव लेके जा रहे हैं, यानी कि सोनम के गांव लेके जा रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर के अंदर निकलेंगे तो सारी पैकिंग वगैरह कर लिए, ये बैग वगैरह तैयार कर लिए। अब है ना निवान्या का एक बैग पूरा इसी का तैयार होता है। पहले तो हम अपनी शॉपिंग करते थे, अब स्पेशली इसका एक बैग इसके लिए तैयार करना पड़ता है। है छोटी सी, अभी से शॉपिंग कर रहे हो आप इतने सारी है? करूंगा करूंगा। चलो सो जाओ। गाइस अब हमारे बंदर की मालिश का टाइम हो गया है। बंदर मम्मा के गांव जा रहे हो तो नहा धोके तो जाना पड़ेगा। देखिए कौन सा ऑयल यूज करते हो मालिश में, तो जब तक बच्चा 3-4 मंथ का नहीं होता तब तक आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। जैसे कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट रहता है, कोल्ड प्रेस्ड वाला। और उसके बाद आप डावर लाल या कोई भी ऑलिव ऑयल शुरू में यूज मत करना। बहुत लोग कहते हैं कि ऑलिव ऑयल यूज करो। है बेटा आप तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल से मालिश करवाते हो। ओले ओले ओले, चलो 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 चलो। गाइस मिस्टर बीन की हो रही है मालिश। है बेटा मिस्टर बीन कितने आराम से देख ला। अरे मेरा गुड्डो की तो कल तबीयत खराब हो गई थी, हैं सबको डरा दिया। तबीयत खराब नहीं हुई थी, गैस बन रही थी। रॉकेट सिंह के पेट में गैस बन गई थी। हमारे रॉकेट सिंह के पेट में गैस बन रही थी इसलिए डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बोला कुछ भी नहीं है, आपका निया बेटा बिल्कुल मस्त है, गैस बन रही थी इसके तो पेट में और कुछ भी नहीं थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, से हाय, आप कैसे हो? मैं तो बहुत ठीक हूँ। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हरी बहन निवान्या, इतना ही मालिश करवा जाऊंगी, इतनी मालिश करवा जाऊंगी किसी ने सोची भी नहीं होगी। बंदर की मालिश हो चुकी है चालू। और यार एक मिथ और आया था हमारे सामने, कई बार हम इसको प्यार से बंदर भी बोल देते, वैसे तो इसका नाम प्यार से डोडो बोलते हैं। कहते बंदर बोलने से एक दिन उम्र कम हो जाती है। क्या क्या लॉजिक देते है यार जा रहे मम्मा से मालिश करवाने में। तो इसकी मम्मा देखो इसके पैरों में है ना ऐसे करके मालिश करती है ना, इसको बहुत मजा आता है। आज आपकी मम्मा सनी पाजी बनी हुई है निया। गाइस ऐसे राउंड राउंड करके ऐसे करके एंड देन अगेन ऐसे करके ऐसे मालिश करना बहुत जरूरी है। ऐसे मालिश करने से ना तो गाइस बच्चे के ना काफी लेग्स और बॉडी पूरी स्ट्रांग होती है। ऐसे घुमा घुमा के मालिश करने का भी तरीका होता है। स्ट्रांग बनोगे पापा की तरह। लो हमारा प्रिंसेस तो शैम्पू से नहाता है। हमारे छोटू की नाई नाई का टाइम हो गया। आज अपने मम्मा के गाँव जा रहा है इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा ना भाई। छोटू अच्छा दिखना है ना आपको, इसीलिए तो नई नई करवा रहे हो बहुत मजे से। लो भाई नहा लिया मैं, अब मैं कपड़े पहनूंगा नए नए। अब मैं नहा लिया, जल्दी से नहा धोके अच्छे से रेडी होके चलूंगा। ये देखो गाइस अब नहा धोके कितना खुश हो जाती है मेरा निवान्या। तो नहा लिया, नहा धोके मस्त मस्त ड्रेस पहन ली। अरे कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। है बेटा नहा लिया, मजे आ गए, नानी ने ले लाया आपको। चलो चलो आपकी ड्रॉप पीने का टाइम हो गया। तो गाइस इसे है ना रोज सुबह विटामिन डी वाली ड्रॉप देनी पड़ती है, क्योंकि ये ड्रॉप देना बहुत जरूरी है। बच्चे को एक साल तक देनी पड़ती है ताकि उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, है ना निवान्या। चलो चाटो चाटो चाटो। हाँ अब आगे मजे। तो भाई अभी मैं भी नहा धो के रेडी हो गया हूँ और अभी निकलेंगे थोड़ी देर में गांव के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मेरी रेगुलर ड्यूटी है ये गुड़िया के छोटे छोटे कपड़े धोने की। आजकल हमारे घर में हमारे कपड़ों से ज्यादा उसके कपड़े हो जाते हैं। ये देखो चारों तरफ उसी के कपड़े और आधे से ज्यादा कपड़े बाहर सूख रहे हैं। तो गाइस अभी खाना वाना रेडी हो चुका है हमारा, जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है भाई। ये देखो मेरे प्रोटीन के डब्बे सही काम आ रहे हैं। देखो इतने सारे 1, 2, 3, 4, 5। सासू माँ को मैंने सामान रखने के लिए डब्बों की कमी नहीं छोड़ी। क्यों भाई चीकू सर में दर्द है बच्चे के? कितना दर्द है? तो गाइस खाना वाना बन के रेडी हो गया है और आज बनाई है भाई भिंडी की सब्जी। तो फटाफट से खा लेते हैं, रास्ते में खाने का कोई फायदा नहीं, घर से ही खा के चलते हैं। गाइस एवरीथिंग इज ऑल सेट, लेकिन भाई इतना सारा सामान हो गया, गाड़ी हो चुकी है फुल, पीछे भी सामान है और पीछे देखो पूरी डिग्गी पैक हो चुकी है, इतना सामान इकट्ठा हो गया। देखो सासू माँ का गेटअप देख लो,
राजस्थानी गेटअप में आ गई। गांव जाते भाई यही होता है, मेरी मम्मी हो चाहे सासू माँ हो, बस राजस्थानी कपड़े पहनने का मौका चाहिए होता। पहले मैं बचपन में ऐसे सोचती थी यार, मम्मी घर में तो यार साड़ी पहनती, वहां जाके अपनी वेशभूषा क्यों बदलती है। बेटा जैसा देश वैसा भेष। फिर मुझे बाद में समझ में आया, फिर मैं भी बदलने लग गई। और तुम्हारी मिस्टर बीन को देखो ना आज, मिस्टर बीन तो सो रहा है। पहली बार अपनी मम्मी के गाँव जा रही है, पहली बार अपनी मम्मी के गांव जा रहा है हमारा मिस्टर बीन है भाई निवान्या। गाइस चलते हैं, अभी वैसे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। इसको भी रखेंगे आप, गाड़ी निकालो। तो गाइस ससुर जी को टेंशन होगी, हमारा एक बैग अभी भी बचा हुआ है, पूरी गाड़ी पूरी पैक है, डिग्गी पैक है, बीच में पैक है। क्या हुआ गुन्ना मानू के सर में दर्द होगी? सर में दर्द हो रहा है? देख गाने देख कितने अच्छे चला रखे, देख तेरे पापा ने। हमारी गाड़ी में ना एक सीडी चलती है, वो 2016 जो हमने गाड़ी खरीदी थी ना, तब से एक ही गाने चल रहे हैं। तो गाइस ये रोड हमारे गांव के लिए जा रहा है, आगे अभी सिकंदरा चौराया आएगा, वहां से हमारा गांव ऐसे निकल जाते हैं हम बांदीकुई होते हुए, और सोनमोर के गांव के लिए सीधा महुआ होते हुए इंडोन और फिर मोचा। तो अभी आपको दिखाऊंगा, चलो खड़े हो। तेरी मम्मी का है चीकू, और तेरी मामी का है पपीता। और ये गुड़िया क्या है? नींबू। मम्मी चीकू, मामी पपीता, पपीता। और ये नींबू। उसे तो नहीं खड़ा होना, उसे तो नहीं खड़ा होना, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो नहीं खड़ी होगी आज ये। देखो सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा मंदिर दिखाई दे रहा है, वो कितनी ऊंचाई पे जाके बनाया हुआ है। इस हमारे गांव के लिए से सिकंदरा से भी रास्ता जाता है और यहां से भी रास्ता जाता है, ये शॉर्टकट रास्ता है लेकिन ये थोड़ा बेकार रास्ता है। आती को लेके जा रहे हैं और आती को ले जाने के लिए देखो कितना बड़ा ट्रक है, वैसे यार आती के अंदर बहुत वेट होता है। पहुंच चुके हैं सिकंदरा। गाइस ये वाला रास्ता हमारे गांव के लिए निकल जाता है, रास्ता बढ़िया है, हम हमेशा इसी से आते हैं। तो गाइस अभी हमारा ऑलमोस्ट आधा रास्ता तो कवर हो चुका है, और सोनम पता है क्या बोल रही है, इसकी फेवरेट कचौड़ी है जो हिंडोन के अंदर मिलती है, जोधपुर मिष्ठान भंडार। मैं जब से घर से निकली हूँ ना, बस उसी के इंतजार में बैठी हूँ, कब आएगी कब आएगी, कम से कम 5 तो खा ही लो। गाइस अभी रुक चुके हैं बीच में, और महुआ यहाँ से सिर्फ 17 किलोमीटर रह गया है, और महुआ से हमें राइट होना है। और इसको देखो, कुल्हड़ वाली चाय पिएगी? तो गाइज हमने लोकल थड़ी पे रोक लिया, यहाँ पे भाई कुल्हड़ वाली चाय मिलती है, बहुत बढ़िया। राजस्थान में तो भाई हर जगह चले जाओ आपको कुल्हड़ वाली चाय मिल जाएगी। और देखो बकरियों का जाने का टाइम हो गया पहाड़ों में से खा पी के, जैसे हमारे गांव में बहुत सारी बकरियां हैं वैसे यहाँ पे भी, क्योंकि जहाँ पे भी पहाड़ होते हैं ना वहाँ पे राजस्थान में बकरियां आपको जरूर देखने को मिल जाएंगी। और ये हमारा बंदर, बंदर बंदर सो गया नहीं है अभी तक, बंदर की नानी ने जबरदस्ती से केला चटा दिया है बेटा, नानी ने केला चटा दिया आपको। अभी गाइस इसको कुछ बाहर का खिला नहीं सकते ना, जब ये 6 महीने की हो जाएगी जब इसको बाहर की चीजें खिलाया करेंगे, अभी तो ये छोटी है। और ये देखो निया की माँ, क्या बेटा गाड़ी चला रहा है मेरा बच्चा। ओ देखो 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 देखो, अब इससे ज्यादा नहीं जा सकती। चीयर्स। जब मिल बैठेंगे दो यार तो क्या पियेंगे, चाय वो भी कुल्हड़ वाली? ऐसे है ना, सोनम को कुल्हड़ वाली चाय बहुत पसंद है, दिल्ली के अंदर ये ढूंढती रहती है, दिल्ली के अंदर लिमिटेड जगह मिलती है लेकिन राजस्थान में तो हर जगह मिल जाती है। भाई हमारी चाय देख लो कितनी बची हुई, ससुर जी ने पी के खत्म भी कर दी इतनी जल्दी, इतनी स्पीड चाय की, तो इतनी स्पीड है। कह रहे चाय की तो इतनी स्पीड है, गरम ना पिए तो मजा ही नहीं, मजा ही नहीं आता। मैं भी ऐसी पीती हूं, शरबत क्या पीना, गरम गरम चाय पीना। पहुंच चुके हैं महुआ और ये है महुआ की मार्केट। तो गाइस अभी अपन को 60 से 70 किलोमीटर और जाना है, जयपुर से 160 किलोमीटर पड़ता है। मैं सारे बाल खींच लिए, सबके बाल खींचते हैं आज के लिए सबके, सुबह सुबह इसने अपने नानी के बाल खींचे थे, अभी सोनम के बाल खींच रही है। अभी महुआ हमें इसलिए रुकना पड़ गया, सासू माँ आजकल इतनी बुलक्कड़ हो चुकी है ना घर की, देखो घर की चाबी ले आई अपने साथ में, अब इतना काम करना पड़ता है सुबह 5 बजे की जगह, इतना मरने को टाइम नहीं मेरे को, चाबी संगी ले आई, अभी को चाबी भी साथ में ले आई, जिस वजह से भाई अभी जो सोनम के भैया आएंगे भाई और इंग्लैंड वाली भाभी जो आएंगी तो उनको फिर घर, उनको पहले जयपुर जाना है तो उसके लिए चाबी उनके पास नहीं थी, तो इसलिए हमने यहाँ बीच में दे दी क्योंकि यहीं से भी होते हुए निकलेंगे वो जयपुर के लिए। पहुंच चुके हैं इंडोन, मतलब शुरुआत हो गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी देख लो हम पहुंच चुके हैं इंडोन, सोनम मेरे को यहाँ पे लेकर गई थी, पुराना घर तुम्हारा इधर की साइड ही था ना, सोनम और भाई पहले यहाँ रहते थे कितने साल पहले, 2007 2006 में
सोनम यही रहती थी, इंडोन में रहे ये लोग कम से कम 5-6 साल रहे होंगे आप लोग यहाँ पे। 8 साल रहे भाई यहाँ पे, 2006 में जयपुर शिफ्ट हुए हैं। 8वीं तक यही पड़ी है। अच्छा, जब तू कहती थी कि मैं टांगे पे बैठ के जाती थी, टांगे जाते थे हम स्कूल। कौन सी फ्रेंड का सर? छोटी छोटी फ्रेंड्स। अब तो तेरी छोटी फ्रेंड्स भी बड़ी हो गई होंगी सारी। बता कितनी कचौड़ी खाएगी? दो। तो इस शॉप के लिए सोनम ने इतनी दूर से वेट किया है, तो अभी चलो लेकर आते हैं। दिखने में अच्छी नहीं है शॉप, पर बहुत अच्छी है। दिखने में अच्छी नहीं, सालों से 10 रुपए की कचौड़ी से ज्यादा नहीं मिलती। 10 रुपए। आ जाओ जल्दी, आ जाओ। तो गाइस ये है यहाँ की फेमस कचौड़ी हिंडोन की। भाई सच में खाने में तो बहुत बढ़िया लगती है। अब सोनम का मुंह में पानी आ रहा है, कह रहा है ये मैं दोनों खा जाऊंगी। हाँ, दोनों मैंने ही मंगाई है। तो गाइस अभी इसने ना खा के खत्म कर दी। ससुर जी यहाँ की एक फेमस चीज बता रहे हैं कि पिछले 20 सालों से क्या रेट है यहाँ का? 10 रुपए चल रही है। 10 ही रुपए चल रहा है, मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि आज भी 10 ही रुपए की मिलती है और आज से 20 साल पहले भी 10 ही रुपए की मिलती थी। ये चीज खास बात। ये लड़की एक कचौड़ी ऑलरेडी खा चुकी है और ये इसकी दूसरी है। निया बेटा ड्राइविंग कर रहा है अकेला। निवान्या आप इंडोन में पहुंच गए, यहाँ मम्मा रहती थी आपकी पहले। रास्ता है ना जहाँ, ये सोनम की मम्मी के गाँव के लिए और ये वाला जो रास्ता जा रहा है सीधा नान्या के नानू के गाँव के लिए, वो नानी के गाँव के लिए। देख लो इनकी बारात ऐसे टर्न करके गई होगी, ऐसे टर्न करके गई होगी। अरे हमारा मटकुचर उठ गया, कहाँ पहुँच गए बेटा? नानी के ससुराल पहुँच गए आप। तो गाइस अभी हम पहुंचे और अभी टाइम देख सकते हो आप कितना हो रहा है, 7:30 बज गए ऑलमोस्ट। और हमारी निया तो अभी खेल रही है मस्त, और भाई अभी तो रात हो रही है तो दिन में आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। पहुंच के यार काफी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, कम से कम 3.5-4 घंटे लग ही जाते हैं आने में, क्योंकि 160-170 किलोमीटर है और हम थोड़ा रुकते हुए भी आए थे। मटकूचर तो मिर्चे बातें करता, भूख लगती है तो अपने हाथ खुद ही खाती है वो है। अब देखो हाथ खाने के चक्कर में अपने पुच्ची दे दो। अरे बेटे मेरे को पुच्ची दे दो, चलो एक पुच्ची दे दो पापा को। शाबाश, एक और दे दो, चलो एक और दे दो प्लीज। अरे मेरे बेटा मेरे को पुच्ची दे दे। सोनम देखो बातें कर रही है इसे, अभी खेलने के मोड में। कहियो सुनम बात। ओले लोई 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 लोई, नहीं रोना नहीं है बेटे। सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। रात को वीडियो शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि थोड़ा लेट पहुंचे थे, हमारा प्लान था कि थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे। पहुंच चुके हैं हम अपने गांव के अंदर और बाकी आपको सारी चीजें दिखाएंगे। सुबह सुबह का टाइम है, सबसे पहले कर लेते हैं चाय गरम। गाइस अभी ना अपना हैंड उठाने की कोशिश करती है ना, उठाओ बेटा ये देख लो भाई। चीयर्स भाई। देखो हमने घर पे काम करने के लिए एक आदमी बाहर से भाड़े पे बुलाया है, सुबह से लगा हुआ है। अच्छे से काम करोगे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा आप। वैसे रूप दिखाओ, आप भाड़े का आदमी नहीं हो। तो गाइस सुबह से सफाई में लगी हुई है भाई, पूरे घर में जब आए हैं ना तो पूरा घर गंदा हो रहा है। कहीं भी चले जाओ, गाँव में चले जाओ या जयपुर में चले जाओ, मेरे को तो झाड़ू से पूछा ही नहीं। मेरे बाप ने ना अकेला ढूंढा था इसलिए दौरान जी ठंड, इसलिए वो काम करना। तो गाइस देखो गुड़िया तो अभी आराम से घोड़े बेच के सो रहा है, हमारा निया तो सो रहा है। तो सासू माँ के पास इतना सारा काम है ना, फुर्सत नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो का हमें एंड यहीं पे करते हैं, है सोनम? एंड कर दे आज की वीडियो का। एंड हो गया। डिस्काउंट अगर आपको तो गाइस हुनरबाज में एक बंदा आया था, उसको देख लिया इसने जब से ये ऐसी कर रही है। मैं अपने गाँव वाले पुराने घर नए घर सब घर का होम ट्यूर करवाने वाली हूँ, तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। सो गाँव की सारी वीडियो होंगी तो बने रहे वीडियो में। और गाइस मैंने रात को है ना सब्जी खा ली थी, वो सब्जी मैंने ऊपर गिरा ली, ये तो मेरा पुराना का कचौरी है जिससे नाम ले ऊपर मिष्ठान भंडार की कचौरी। फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।